उधर राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू का एक नया वीडियो सामने आया। उसके पिता गया प्रसाद थापस ने अंजू से बात की, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के दावे के मुताबिक अंजू ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करके नसरुल्ला खान से शादी कर ली, जिसके बाद अंजू के पिता ने उससे बात की। अंजू के परिवार वालों के मुताबिक करीब 15 मिनट तक व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात हुई। इस बीच अंजू के पिता ने उसे भारत छोड़ पाकिस्तान जाने पर फटकार लगाई। तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया, मर गया तेरा बाप, मर गया तेरी माँ, मर गई तेरी। उधर परिवार के मुताबिक अंजू का भी मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ और मुझे कभी फोन मत करना। इसके बाद परिवार ने आशंका जाहिर की कि अंजू का ब्रेन वॉश किया गया है। और नसरुल्ला से शादी की खबर सुनकर अलवर में अंजू के पति अरविंद कुमार ने कई सवाल उठाए। अंजू के पति ने सरकार से भी सभी दस्तावेजों की मांग कर दी, क्योंकि अंजू के पति को उनके ऊपर शक हो गया। और अरविंद के मुताबिक अंजू पाकिस्तान से हर बार झूठ बोल रही है और वो बिना बताए पाकिस्तान चली गई। और वहाँ नसरुल्ला से शादी के दावे के बीच अरविंद ने अंजू के पासपोर्ट और वीजा को रद्द करने की भी मांग की। मेरी सरकार से दुर्ख्वास्त है, पासपोर्ट वीजा इसका रद्द कर दिया जाए। अरविंद ने आरोप लगाया कि अंजू ने उनसे झूठ बोला और दिल्ली में इंटरव्यू के बहाने जाकर अपने कागजात को गलत तरीके से पूरा किया। ये सारी छानबीन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है, किसके साइन है। अंजू के पति अरविंद को उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान से जल्द वापस आ जाएंगी, लेकिन अरविंद के मुताबिक उनकी शादी की खबरों को सुनकर उनका भरोसा टूट गया। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से अंजू के परिवार की जांच की मांग की। हिंदू महासभा ने ग्वालियर में रहने वाले अंजू के परिवार वालों पर शक जताया और ग्वालियर की पुलिस को एक ज्ञापन सौंपकर अंजू के परिवार की जांच की मांग की। हिंदू महासभा ने दावा किया कि उनके 11 सदस्यों ने ग्वालियर के टेकनपुर में रह रहे अंजू के पिता गया प्रसाद की जांच की, जिसमें उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आई। जिस प्रकार से स्टेट में बदलते हैं, निश्चित रूप से ये लगता है कि कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदू महासभा का आरोप है कि टेकनपुर में ही BSF की अकादमी है और वहीं पास में अंजू का परिवार रहता है। ऐसे में अंजू के परिवार की जांच जरूरी है। वहीं ग्वालियर के SP के मुताबिक पूरे मामले पर उनकी नजर है। अंजू अपने पिता और दो बच्चों को छोड़कर राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान चली गई और दावे के मुताबिक वहां पर अंजू ने अपने दोस्त नसरुल्ला से शादी कर ली। आज पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने की तीसरी सालगिरह के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के समय पीएम श्री योजना के तहत निधि की पहली किश्त जारी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे। उधर यूरोपीय देश ग्रीस के जंगलों में लगी आग वहां की वायुसेना के एक हथियार डिपो तक पहुंच गई। ग्रीस की राजधानी एथेन समेत दूसरे कई शहरों के नजदीक मौजूद जंगलों में पिछले कुछ दिनों से आग भड़क रही है, लेकिन आग जब वायुसेना के उस हथियार डिपो तक पहुंच गई तो वहां ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। आग के कहर बरपाने का जो वीडियो सामने आया उसमें तेज धमाका होता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें और दमघोटू धुआं फैलता दिखाई दिया। वहां जंगलों में लगी आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। हालांकि आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने पूरी ताकत झोंक दी। हेलीकॉप्टर की मदद से भी आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आग का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ऐसे बन गए कि जंगल के किनारे रहने वाले लोगों के पास घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा।